अभी कुछ ही अरसा कबल इमरान ख़ान जब बतौर वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई कि हकूमत और फ़ौज एक ही सफ़े पे हैं, एक ही पेज पे हैं, बल्कि किताब भी एक ही पढ़ रहे हैं और बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे। और इमरान ख़ान को सेलेक्टेड कहना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और नून लीग के कुछ लोगों की तरफ से, बल्कि लीडर हिज़्ब इख्तलाफ़ के लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से ये था कि आप फ़ौज ने आपकी हमायत में है और इंतखाबात में आपको सेलेक्ट किया गया, अलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन अब फैसल वाडा एक जूता, फ़ौजी जूता लेके आए एक टेलीविज़न प्रोग्राम में, जिसे 60 दिन के लिए ऑफेयर कर दिए गए, जो कि एक अजीब सी चीज़ थी। बिल्कुल इतने लो लेवल पे पाकिस्तान की सियासत शायद पिछले कुछ अरसे में शायद कभी भी ना गई हो। और इन हाउस चेंज और माइनस वन और शहबाज शरीफ और वो सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हैरानी होती है और आम लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान में ये क्या होता है, क्या एस्टेब्लिशमेंट करती है या अमेरिका करता है या ये सियासी जमातें हैं, माफिया कौन है, ये सिसिलियन माफिया कहा गया, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग।